अस्सलामुअलैकुम। आज आप इस वीडियो में देखेंगे फ्रॉक का नया डिज़ाइन। बनाना शुरू करते हैं। 10 से 12 साल की लड़की के लिए ये फ्रॉक है। ये जो ट्राउज़र का कपड़ा था उसके अंदर से शर्ट बनाई है, और शर्ट वाले कपड़े के अंदर से ट्राउज़र, और जो बॉर्डर साइड से निकला था इसकी डिज़ाइनिंग कर लेनी है। ये कपड़ा मेरे पास कम है, बैक साइड इसकी मैं पूरी रखूँगी जितनी मुझे तैयार चाहिए, उससे 2 इंच ज़्यादा। और ये जो फ्रंट साइड है ये 4 से 5 इंच लेंथ में कम है, तो इसके ऊपर मैं डिज़ाइनिंग करूँगी। खुली आप अपने नाप के हिसाब से रख सकते हैं। नीचे से सिंपल ए लाइन कट की है, लेकिन ये फ्रॉक नहीं है, इसका गेट थोड़ा सा कम है फ्रॉक से। अब ये जो फ्रंट साइड है ना, ये देखिए 2 इंच नीचे से छोड़ूंगी मैं और 2 इंच ऊपर से। इसके अंदर डिज़ाइनिंग करके कर लेनी है इसकी लेंथ पूरी। अगर आपके पास भी इस तरह से पीस बच जाते हैं जिसकी लेंथ कम होती है, तो उसके अंदर इस तरह की डिज़ाइनिंग करके आप बेबी का फ्रॉक खूबसूरत कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने नीचे से छोड़ा है और थोड़ा सा ऊपर से। एक साइड इसकी कट की है सिर्फ, दूसरी साइड कट नहीं की। अब इसका दरमियान से कट नहीं करना, जितना बैक साइड की फ्रॉक का गेयर है उससे ये वाला कपड़ा खुला ज़्यादा है। ऊपर से जितना गला खुला रखना है, और नीचे से थोड़ी सी अरेब में देकर इसको मैं कट कर दूँगी। अब ये पीस मैंने दूसरी तरफ रख लिया है। जैसे हम अंगरखा बनाते हैं बिल्कुल वैसा आएगा ये डिज़ाइन, लेकिन इसकी जो डोरी या फिर लटकन होता है वो बिल्कुल चौक के पास आएगा, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताती हूँ। अब ये देखें जी, जो दूसरी साइड है ना उसका गेयर साइड से चौक जो है वो थोड़ा सा कम है। नीचे से ये बराबर नहीं है, ये भी इसकी डिज़ाइनिंग में आएगा। अब जो बॉर्डर ट्राउज़र के कपड़े के साथ से निकला है उसकी डिज़ाइनिंग इसके ऊपर करूँगी मैं। अगर आपके पास सिंपल कपड़ा है तो कोई सा भी कंट्रास कपड़ा लेकर उसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ये जो चौक सीधा है ये नीचे की तरफ, और ये जो कपड़ा अरेब में है ये ऊपर की तरफ आएगा। चार से पाँच इंच अरेब में ये कपड़ा कट कर लिया है मैंने। अब इसको स्टिच कर लेते हैं। ये जो खुला है एक साइड से 20 से 21 इंच है, इसकी लेंथ मैंने ज़्यादा कर ली है। ये देखें नीचे की तरफ कपड़ा डाल लिया है। ये जो इसकी लेंथ कम थी ना, दोनों तरफ मैंने कपड़ा डाल लिया है क्योंकि इसका बॉर्डर ऊपर रखकर अटैच होना है। इसके चौक पर बॉर्डर नहीं लगाया, ये जो फ्रंट साइड थी ना ऊपर आएगी, लेकिन ये जो दूसरी साइड है इसके चौक पर भी बॉर्डर लगाना है।
दोनों तरफ सिंपल फिटिंग की स्लाइल गालीनी है और ये जो इसकी बैक साइड थी ना, इसके भी एक साइड पर चौक रखा है और दूसरी साइड सिंपल रखी है। मतलब कि जो साइड इसके ऊपर की तरफ आनी है ना, वो साइड किनारे से बिल्कुल सिंपल होगी और ये जो दूसरी साइड है इसका भी चौक रखा है। हाँ जी, तो दोनों तरफ फिटिंग की सिलाई लग गई है। अब कर लेते हैं जिसको दरमियान से स्टिच और बाद में इसके ऊपर लटकन लगा लेंगे। हल्का सा ये मैंने जो निशान लगाया है ना, इससे थोड़ा सा आगे रखकर इसको स्टिच करना है। स्लीव्स इसके सिंपल है। अब इस कॉर्नर के साथ ये जो चौक वाली साइड है, इन दोनों के साथ ना एक लटकन लगा लेना है। दोनों तरफ तनिया लगा लेनी है। वो बाद में पहनकर ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगेगा। ये जो है ना, ये थोड़ा सा हेल्दी लड़की की फ्रॉक है। ये थोड़ी सी हेल्दी लड़की का फ्रॉक है। आप अपने नाप के हिसाब से बना सकते हैं। अगर आपने लेंथ ज़्यादा नहीं रखनी तो ना रखें। इस तरह के डिज़ाइन की लेंथ कम ही अच्छी लगेगी।